Hello students, today I am going to explain you one example, an example of chapter 9. Conversion के क्वेश्चन से बेटा आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, बट इस क्वेश्चन में आपकी सारी कंफ्यूजन काफी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ये क्वेश्चन है बेटा कन्वर्ट इनटू मीटर. हमें इन सारी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है. यू नो दैट किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट. किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट देन मीटर. एंड हेक्टोमीटर इज ऑल्सो अ बिगर यूनिट एंड डेकामीटर. दीज थ्री यूनिट्स आर बिगर देन मीटर. तो इन तीनों यूनिट्स को हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, इन थ्री यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा. और रिमेनिंग आपकी डेसीमीटर, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर. दीज आर स्मॉलर यूनिट्स देन मीटर. तो इन तीनों को हमें डिवाइड करना होगा. ठीक है, इन तीन को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है. इन तीन को हमें बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तो हमें पता ही है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर एंड 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर. ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट इज 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 20 मल्टीप्लाई 1000, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 2 3 0 एंड 1 4 0. वी राइट 4 0 इन द आवर आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर एंड एड दिस मीटर. इसको हम एड करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में ही है. वी मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई बाय 1000, 17000 आ जाएगा. फिर 25 को हम एड कर देंगे. Now, हेक्टोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 हेक्टोमीटर. तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, वी गॉट 1200. नाउ मिलीमीटर, मिलीमीटर इज इसको हमें बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. तो 30 है, 30 आपकी मिलीमीटर ही रह जाएगी और 3 डिजिट आपकी मिलीमीटर रह जाएगी और 1 जो रिमेनिंग डिजिट है वो आपकी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो 6 मीटर 700 मिलीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इसको भी हमें बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसे भी हम डिवाइड ही करेंगे. वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे. तो 20 से डिवाइड करें तो लास्ट की 2 डिजिट आपकी सेंटीमीटर रह जाएगी और बाकी जो बच गया दैट विल बिकम मीटर. 37 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इन दिस वी हैव 12 किलोमीटर एंड 5 हेक्टोमीटर. दोनों को कन्वर्ट करेंगे और ऐड कर देंगे. 12 मल्टीप्लाई 1000 12000, देन 5 मल्टीप्लाई 100 500. The answer is 12,500 meter.
ठीक है स्टूडेंट्स। इसी की तरह अगर कन्वर्ट इनटू ग्राम होता तब भी आपका यही प्रोसीजर होगा। कन्वर्ट इनटू ग्राम में यहां पे किलोग्राम हो जाएगा, हेक्टोग्राम हो जाएगा, यहां पे मिलीग्राम हो जाएगा, यहां सेंटीग्राम हो जाएगा। प्रोसीजर सेम रहेगा, मिलीग्राम को भी हम थाउजेंड से डिवाइड करके ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेंटीग्राम को हम हंड्रेड से डिवाइड करके ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा बिल्कुल एज इट इज, बस आपका मीटर की जगह उस क्वेश्चन में ग्राम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर मोर एग्जांपल, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। वी नो स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो बेटा इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वी मल्टीप्लाई बाय 10, 750 मिलीमीटर। नाउ 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। बेटा इसमें 6 डिजिट्स को नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 और 30 8 10 8 40 आ जाएंगे। यही अगर आपका लीटर में होता, कैपेसिटी की यूनिट्स होती है आपकी, तो भी इसी तरीके से होता। मिलीलीटर तब भी बेटा आपका इसी तरीके से होता। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।